प्रमुख तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कल रात से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुस्लिम संगठनों ने आज सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने का ऐलान किया और इसके तहत मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लामिया इंटर कॉलेज से पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। मौलाना तौकीर रजा खान समेत 30 लोगों को पुलिस ने रेड नोटिस थमाया है और शहर में भड़काऊ पोस्टर चस्पा करने और बांटने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इससे शहर का माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अवैध मानते हुए इसे रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जेल भरो आंदोलन को लेकर सुरक्षा तेज। अमन पसंद सच्चे और अच्छे मुसलमान की तरह दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ये आपको दिखाना है कि मुसलमान कितना अमन पसंद है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने तरीके से आइए, अपनी शनाख्त के साथ आइए और अपने ईमान की हिफाजत के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। और पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। जहाँ हमें पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग करना है, अपने शहर के अमन की भी हिफाजत करनी है। आज ये पूरे फोर्स के साथ में हमने यहाँ पर फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, साथ में जो भी फोर्स कल लगा है उसको भी साथ में लिया गया है। PAC और RRF भी साथ में है, वो भी फ्लैग मार्च में सम्मिलित है और पूरे एरिया को हमने जगह जगह पे सेक्टर और जोनल में बांटते हुए वो डिप्लॉयमेंट किया है और सेक्टर स्कीम भी लागू की है और प्रॉपर इंतजाम से किए हैं। और आज फ्राइडे है यानी कि जुमे की नमाज, इसको लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में पुलिस का पहरा है, सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है जुमे की नमाज के मद्देनजर। ये बड़ी खबर, प्रदेश में विशेष व्यवस्थाएं हैं, जुमे की नमाज को लेकर खास इंतजाम, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। ऋषभ मणि फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी जुमे की नमाज को लेकर, सुरक्षा कैसी? देखिए, यहाँ DGP मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं, जितने भी सीनियर अफसर हैं वो फील्ड में रहेंगे, लगातार निगरानी बनाए रखेंगे। जो धर्म गुरु हैं, जो मस्जिद लोग हैं, जहीन लोग हैं, उनसे वो अपना संवाद कायम रखेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं भी कोई अफवाह मिलती है, आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट मिलती है, उसका तुरंत खंडन किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहां पर जरूरी हो ड्रोन से निगरानी की जाए, CCTV कैमरों से निगरानी की जाए। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी वर्दी पर भी जो बॉडी वॉर्न कैमरा है उसको भी पहने, ताकि कुछ भी अप्रिय होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस के पास सुरक्षित रहे। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न कराए जाएं जो भी धार्मिक त्यौहार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जालौन में भी जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न करवाने को लेकर जालौन पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के संप्रबंध और धर्म गुरुओं से मैराथन मीटिंग की है। इस मीटिंग में एडिशनल SP ने मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं से जुमे की नमाज को सुरक्षित और सकुशल संपन्न करवाने की अपील करते हुए सहयोग मांगा। पुलिस के साथ साथ जालौन जिला प्रशासन ने भी कड़ा हुआ किया हुआ है। जुमे की नमाज को लेकर जालौन में भी सुरक्षा चाक चौबंद, धर्म गुरुओं से मैराथन मीटिंग्स हुई है, जिसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक्शन में पुलिस नजर आई है और जालौन में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो सके इसको लेकर विशेष इंतजाम तो हैं ही, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, लेकिन धर्म गुरुओं से भी मैराथन मीटिंग की गई है।